हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके सेंटर पे आपका जीएसटी चल रहा होगा या पीडी मोड में आप जीएसटी पढ़ रहे होगे, और अच्छा ही पढ़ रहे होगे, और आप यहाँ पे चार्ट्स वगैरह निकाल रहे होगे। दोस्तों, जहाँ तक है मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने रेगुलर बैच फॉर मई एंड नवंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए मैंने जो रेगुलर बैच रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हुई है कि जो आपको बताना जरूरी है, और इससे हमारे आपने जो क्लासेस किया है इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, इंस्टीट्यूट सच कहूँ तो हमारे साथ खेल खेल रही है और कुछ नहीं, पर इंस्टीट्यूट कभी गलत नहीं है, क्योंकि जो अभी नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन हमारे ICAR ये इंस्टीट्यूट का आया है, इसमें आपको एक गाइडलाइन दी है कि कौन से टॉपिक मई 2019 एग्जामिनेशन के लिए नहीं पूछे जाएंगे, यानी जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने रिकॉर्डिंग चालू की सितंबर में, तब ये गाइडलाइन नहीं थी, और सितंबर में CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 आ चुका था। तो सितंबर में CGST एक्ट 2018 आ चुका था तो मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। पर हां, एक्ट में ये लिखा हुआ था कि ये CGST एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 तब से अप्लीकेबल होगा जब से यहां वो नोटिफाई किया जाएगा। तो आई थॉट दैट कि चलो भाई, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक्ट लाए, अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स की, तो अक्टूबर के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर के पहले वो अप्लाई कर देंगे तो आपके एग्जाम को अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हुई बड़ी गड़बड़। अक्टूबर के पहले ये CGST अमेंडमेंट एक्ट का कोई अप्लीकेबिलिटी का नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अभी तक नहीं आया। मोदी जी ने ये रिजर्व कर दिया कि भाई अभी रुक जाओ, अमेंडमेंट्स मत लगाओ। ओके, तो CGST एक्ट की जो अमेंडमेंट्स है वो अक्टूबर एंड तक अपडेट नहीं हुई। अब हमारे इंस्टीट्यूट का तो रूल है, और हमारी इंस्टीट्यूट तो रूल से चलती है, कि जब CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसकी अमेंडमेंट अगर अक्टूबर एंड तक नोटिफाई नहीं हुई है, यानी इसका अप्लीकेबिलिटी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम मई एग्जाम को नहीं पूछेंगे भाई। अब इंस्टीट्यूट ने कह दिया मई एग्जाम को नहीं पूछेंगे, और ये क्लैरिफाई करते हैं इन द मंथ ऑफ, अब अक्टूबर हो गया, नवंबर आ गया, ओके, और अभी नवंबर एंडिंग में क्लैरिफाई करते हैं। अब तक हमारे जीएसटी के सभी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए, और आप सेंटर पे देख चुके हो, या पीडी आपने स्टार्ट कर दिया है। अब भाई, जब ये नोटिफिकेशन आया और कहा गया कि CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अमेंडमेंट्स मई 2019 अटेम्प्ट को नहीं पूछी जाएगी, तो बड़ी हलचल हो गई के स्टूडेंट में कि अरे हमने तो अमेंडमेंट्स पढ़ ली थी, विशाल सर ने तो अमेंडमेंट के साथ पढ़ा दिया, क्या हमने गलत पढ़ लिया क्या? भाई, गलत वलत कुछ नहीं पढ़ा, पहले तो मैं ये बता दूं, हमने गलत पढ़ दिया क्या? और पिछले दो दिन में मुझे 300 व्हाट्सएप आए हैं कि सर ओके, आपने तो अमेंडेड एक्ट के हिसाब से पढ़ा दिया, अब इंस्टीट्यूट कहती है अमेंडमेंट एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो बेटा, मैं एक बात कहूं कि मैं तो फंस गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अक्टूबर 8 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैंने अमेंडमेंट्स कर ली, अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड कर ली, और अब ना मोदी जी ने यहां पे अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल करवाई, और हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अमेंडमेंट्स मई अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल करवाई नहीं। इसलिए ऑब्वियस बेटा, आपका क्वेश्चन ये है कि अब सर हमने जो अमेंडमेंट पढ़ लिया उसका क्या, क्या क्या चेंजेस हुआ, हमें उसकी गाइडलाइन कीजिए, क्या हमने जो CGST एक्ट पूरा पढ़ा वो पूरा का पूरा कुछ काम का नहीं है क्या? अरे नहीं 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 भाई, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा बेटा, डरो मत, CGST एक्ट अमेंडमेंट जो हुई है, एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, वो अप्लीकेबल नहीं करवाई है, और वो कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है,
मतलब वो अमेंडमेंट एक्स्ट्रा ही हुई है ओरिजिनल अमेंडमेंट्स को, मतलब ओरिजिनल एक्ट को, ऐसे बहुत कम जगह है कि ओरिजिनल एक्ट को उन्होंने अपडेट किया, अदरवाइज उन्होंने ऐड ही किया है। तो जो आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको अप्लीकेबल है, बस कुछ चीजें काटनी है। और बताओ आपको भाई, कुछ चीजें नहीं पढ़ना है, काटना है, इसमें इसका मजा ही कुछ अलग है आपको, तो इसका मजा ही आपको कुछ अलग आएगा। तो कुछ चीजें काटना है तो मैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या है। पर आपने जो पढ़ा उसमें जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो पूरा मैंने पढ़ा दिया, जो अमेंडमेंट एक्ट से एड हुआ वो ही आपको काटना है, क्या काटना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में मेरा एक सेशन आएगा। दूसरी बात, हाँ, पर फायदा ये हो गया कि जो स्टूडेंट नवंबर वाले हैं, ओके, नवंबर 2019 वाले हैं, उनके लिए तो भाई फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि तब तक तो अमेंडमेंट एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, ओके, अप्रैल तक, क्योंकि उनकी कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल, तो अप्रैल तक अप्लीकेबल हो जाएगा। तो नो डाउट उनको तो मैंने अमेंडमेंट पढ़ा दिया, तो अब तो मैं भी कह सकता हूं कि नवंबर 2019 वाले स्टूडेंट्स भी ये पीडी अच्छे से बाय कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ओके। पर हाँ, मे वालों के लिए थोड़ा घबराहट सब में हो गई, कि थोड़ा हलचल भी हो गई, परेशानी हो गई कि सर हमको क्या क्या अप्लीकेबल है। पहली बात बेटा, कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाले है, ओके, कुछ गिन कर, ओके, यहाँ पे मेनली 13-14 चेंजेस है जो काटना ही है, ओके, उस एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ ज्यादा अपडेशन नहीं है, इसलिए वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दी इसके बारे में मैं अभी आज बात करता हूं, ओके, कि इंस्टीट्यूट ने कहा, देखो भाई, ओके, और पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने कहा, सुन लो भाई, ये जो न्यू कोर्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा, पर मैं कह दूं जो ओल्ड कोर्स में है उनको भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने जो न्यू वाले के लिए कहा वो सेम ओल्ड के लिए था, ओके, तो जो अभी एक्सक्लूजन मैं बता रहा हूं, इवन दो न्यू लिखा होगा पर ओल्ड वाले भी इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं ओल्ड वाले भी, तो बस खत्म, इसमें मुझे व्हाट्सएप देने की भी जरूरत नहीं है, ओके। कौन कौन से टॉपिक वो नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में? पहला वो कह रहे भाई, रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गुड्स के भी रेट दिए थे, भाई जीएसटी रेट क्या है गुड्स का, एक पूरा 14-15 पेजेस का टेबल दिया था, वो मैंने मेरे नोट्स में कवर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो नोट्स में नहीं वो नहीं आएगा, तो मैंने वो पढ़ाया नहीं बेटा कि गुड्स के इंडिविजुअल रेट्स क्या हो गए, वो मैंने जब पढ़ाया नहीं तो मेरे नोट्स में कवर ही नहीं। तो भाई वो तो स्मार्ट डिसीजन था कि पहले से मैंने लिया ही नहीं था उसको, तो जहां तक है हमारे नोट्स में ये चीज पहले से कवर नहीं। दूसरा, रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का भी एक टेबल दिया था, कौन कौन से सर्विसेज को क्या क्या रेट अप्लीकेबल है, वो भी मैंने मेरे नोट्स में लिया नहीं, तो अच्छी बात है पहले से स्मार्ट डिसीजन था भाई, वी स्मार्ट डिसीजन तो ले गई, तो पहले से बात ये बेटा कि वो भी मैंने लिया नहीं। एग्जम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने सप्लाई ऑफ सर्विस के एग्जम्पशन देख लिए हेल्थ केयर वगैरह, पर गुड्स के एग्जम्पशन जो थे वो मटेरियल में दिए थे, पुराने मटेरियल में दिए थे, वो भी मैंने हटा दिया उस पर मैंने मेरे नोट्स में लिया ही नहीं। तो ये तीनों बातें मैंने मेरे नोट्स में ली नहीं, इसलिए कोई भी कुछ भी स्क्रैप नहीं करना है, ओके, तो यहां पर कोई भी यहां पर स्क्रैच नहीं करना है, मेरे नोट्स में कवर ही नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं ये नोटिफिकेशन में, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इंस्पेक्ट ऑफ गोल्ड डोर बार्स, ये भी मैंने अपने नोट्स में लिया नहीं कि गोल्ड डोर बार्स का आईटीसी कैसे रिवर्स करना है, क्योंकि मुझे पता था कि इसको भी वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इसलिए ओके, आईटीसी में मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमें कवर नहीं करना है। उसके बाद में प्रोसीजर में, ओके, प्रोसीजर में यहाँ पे GSTR 2, 1A, 3, 7 और 8 इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो तो मैंने पहले से आप में ले लिया है, आपको याद है रिटर्न चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है या आप सुनोगे रिटर्न चैप्टर, ओके, उसमें पहले ही मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सेम क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, रिटर्न में दिया है आपके नोटबुक में, पर एक नोट डाल के दिया है कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फिलहाल, और सेम नोटिफिकेशन आ गया। मैचिंग एंड मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग एंड रिवर्सल प्रिंसिपल, और कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये भी बेटा पढ़ाते वक्त कह दिया था, जैसा कैश्यू नट्स वाला एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, कैश्यू नट्स वाला टेबल, तो मैंने पहले ही कहा था कि गुड्स के रिवर्स चार्ज पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ओके, लास्ट अटेम्प्ट में एक्सक्लूजन था, ये अटेम्प्ट में भी एक्सक्लूजन का, हाँ वो रिवर्स चार्ज वाला सर्विस वाला रहेगा, रिवर्स चार्ज वाला सर्विस वाला रहेगा, मतलब वो जीटीए सर्विस, लीगल सर्विस रहेगा। 9(3) में जो गुड्स वाला रिवर्स चार्ज है, जो कैश्यू नट्स वाला है, बिडी रैपर लूज वाला है, उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा
जाएगा। ओके, उसके बाद में आईजीएसटी एक्ट में भी वो गुड्स वाला टेबल, आईजीएसटी एक्ट में रिवर्स चार्ज में जो गुड्स वाला टेबल है, कैश यूनिट्स वगैरह, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट बात हुई ट्रांजिशनल प्रोविजन मेरे। ओके, लास्ट एक चैप्टर दिया है ट्रांजिशनल प्रोविजंस, वो चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है बेटा, उस पर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा ट्रांजिशनल प्रोविजंस में। नाउ यहां तक तो बेटा जो अभी टेबल में कहा वो मैंने लिया ही नहीं है, पढ़ाते वक्त ही आपको कह दिया कि ये पढ़ना मत, ओके आपके मे अटेम्प्ट के लिए नहीं पूछा जाएगा। और जिसका नवंबर अटेम्प्ट है बेटा, तो अभी तो यही कह सकते हो आपको भी नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक्स पे, ओके जो टॉपिक्स अभी टेबल में कवर्ड किए हैं, इसलिए आप भी डरने की कोई, आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है ओके, एक स्टार करके दी है वो रेट स्पेसिफाइड फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो आपको अप्लीकेबल है। मतलब क्या, जो 1% का रेट है जो हमने 0.05 कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा था, वो तो आपको लर्न करना है, वो इन्होंने भी कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब सुनिएगा, एक नोट दी है ओके, और ये नोट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मे 2019 अटेम्प्ट को अपीयर हो रहे हैं, ये नीचे वाली नोट इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, ओनली द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 विच हैज बिकम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 आर अप्लीकेबल फॉर मे 2019। एक सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट और सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट। भाई सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स की गई हो उसमें से दो ही अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होगी, ये दो अमेंडमेंट्स के अलावा बाकी कोई भी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपका एक सवाल होगा, सर ये दो अमेंडमेंट कौन सी, ओके सीजीएसटी एक्ट और ये सेक्शन 3 में होने वाली और सेक्शन 31 में होने वाली। आपको बताया 1A, मैंने पढ़ाया 1A अप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल 2 और शेड्यूल 2 की अमेंडमेंट्स, ओके उतनी ही अप्लीकेबल होगी, बाकी कोई भी अमेंडमेंट सीजीएसटी एक्ट की अप्लीकेबल नहीं होगी। तो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा यहां पे कि भाई सीजीएसटी एक्ट की जो कौन सी अमेंडमेंट हमें अप्लीकेबल नहीं होगी। और नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा, थोड़ा अगर हम इसकी बात करें, ठीक है बाकी तो उन्होंने ये दिया है कि भाई एक और अमेंडमेंट है। अब आपका सवाल है कि सर ये दो ही अमेंडमेंट्स क्यों अप्लाई करवाए, क्योंकि ये दो अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली हुई थी, मतलब जब से सीजीएसटी एक्ट आया 1 जुलाई 2017 से तब से ये अमेंडमेंट हुई थी। ओके, 1A की अमेंडमेंट जो है 7(1)A का अमेंडमेंट अप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल 2, ये जो है बेटा ये रिट्रोस्पेक्टिवली करवा दी 1 जुलाई 2017 से, इसलिए अप्लाई करवा है। इसके अलावा बाकी कोई भी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपका एक सवाल, फिर आपने तो सर अमेंडमेंट्स हमें पढ़ा दिए, तो देखो मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ाते टाइम नोट्स में एक्ट की अमेंडमेंट्स, रूल्स की अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स, सर्कुलर की अमेंडमेंट्स, ये सब पढ़ाई अप टू 30th अक्टूबर। अब इसमें से बेटा ओनली एक्ट की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल नहीं है, ये दो छोड़ के ये दो ही अप्लीकेबल है। ओके, ओनली एक्ट की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल नहीं है, रूल्स की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है, जैसे आईजीएसटी रूल्स नए आए, रूल्स में कोई अपडेशन हुआ वो नया है, नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है, सर्क्यूलर की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है, सिर्फ एक्ट की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं है जीएसटी में। तो अब ऐसे केस में आपका सवाल यह आ जाएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स है, सर्कुलर की अमेंडमेंट्स है, ओके या फिर रूल्स की अमेंडमेंट्स है, और कौन सी एक्ट की अमेंडमेंट्स है। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, ओके कुछ भी ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है, मैंने जैसा दिया वैसा ही पढ़ना है। गिनकर कुछ 10-12 अमेंडमेंट्स है, जैसे शेड्यूल 3 में एग्जाम्पल के तौर पर, शेड्यूल 3 में वो 3 एंट्री एड हुई थी आखिरी में, ओके बाहर के बाहर सप्लाई हुआ, वेयरहाउस क्लियरेंस हुआ, ओके उसके बाद में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स कंपोजिशन स्कीम में एक अमेंडमेंट हुई थी वो 5 लाख या 10%, और छोटी छोटी अमेंडमेंट्स और हुई और आईटीसी में जो हुई। तो बेटा पहली बात, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो पढ़ाया वो आपको पूरा पढ़ना है। ओके, जो अमेंडमेंट एक्ट
रूल्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, सर्कुलर्स पढ़ने हैं, सिर्फ एक्ट की जो अमेंडमेंट्स है उसका एक सेशन मेरा एक डेढ़ घंटे का आपको आ जाएगा। पेज नंबर के साथ मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, और ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, बहुत कम है ऐसा, बहुत ही कम, यानी मैं 100% में 1% कहूंगा ऐसा है, 1% भी ज्यादा मैंने बोल दिया कि जो आपको इस एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है जो मैंने दिया है। इसीलिए ओके, एक सेक्शन पेज एक सॉरी एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, पेज नंबर के साथ आपको पेज नंबर के साथ बताऊंगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, और वो कुछ ज्यादा नहीं है, 1% पूरे सिलेबस का, वो भी बहुत कम, ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी कम ओके चेंजेस आपको नहीं पढ़ने। इसलिए ज्यादा खुश मत हो जाना कि अरे रे भाई सीजीएसटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट नहीं पढ़ना है तो बहुत कुछ अब छूट जाएगा, बहुत कुछ ओके स्क्रैच हो जाएगा, बेटा ये भूल में मत पढ़ना, आपको मैंने जो पढ़ाया सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ छोटे छोटे कई अमेंडमेंट्स हुई एक्ट की वो आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सर्कुलर नोटिफिकेशन जो है वो तो सब कुछ पढ़ना है। तो बेटा अभी मैं एक छोटा सा लेक्चर आपको जस्ट एक दिलासा देने के लिए कि जो स्टूडेंट पैनिक हो गए, डर गए हैं, बस इसके लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, मैं अभी एक पूरी नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपका पेज नंबर वाइज आपको क्या क्या, पूरा पेज नंबर पीडीएफ कॉपी में ले रहा हूं जैसा आपके नोट्स में दिया, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है पेज नंबर वाइज आपको नेक्स्ट सेशन जो अपलोड करूंगा। ओके, मैं आज बना लेता हूं नोट्स बेटा, और मैं कल वो सेशन अपलोड कर लूंगा। तो कल वो सेशन अपलोड करने के बाद आप वो सेशन www.vsmartacademy.com/vishalsir, आई रिपीट www.vsmartacademy.com/vishalsir, ओके कल रिकॉर्ड होने के बाद परसों से आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको यह कहता हूं कि पैनिक मत होना, 1% वो भी ज्यादा हो गया, उतने सिर्फ चेंजेस करने हैं, बाकी आपको सब सिलेबस में कवर्ड है जो मैंने आपको पढ़ाया। और अच्छी बात यह कि भाई जो इसका नवंबर अटेम्प्ट है उनको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, उनका तो सब कुछ कवर हो गया, और आपके लिए भी जिसका मई अटेम्प्ट है, ओके मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं बेस्ट विशेस विथ यू, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी रीजन के वजह से, कोई दूसरे सब्जेक्ट के वजह से आपका अटेम्प्ट रह जाए तो आपकी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर हो गई है, तो अच्छी बात है आपके लिए भी, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ, अदरवाइज बेटा आपको तो निकलना ही है मई 2019 में, तो डरने की कोई बात नहीं बेटा। ओके, मैं नेक्स्ट सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि क्या अप्लीकेबल होगा और क्या अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, और जो पुरानी प्रोविजन है वो भी समझा दूंगा, तो वो सेशन जो एक दो घंटे का रिकॉर्ड होगा तो उसमें मैं सब आपको अच्छे से समझा दूंगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो 2 दिन बाद आप www.vsmartacademy.com/vishalsir पर देख लीजिएगा। ओके, तो वो सेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।